जहां से मैं बाई करता हूँ मार्केट वहीं से ऊपर जाता है, एंड जहां पे मैं सेल करता हूँ मार्केट वहीं से नीचे गिरता है। एक मिनट, ये मैंने क्या बोल दिया? ये कुछ नहीं गाइस, बस जो अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उसका कंक्लूजन है। यानी कि इस स्ट्रेटेजी को आप सीखने के बाद आप भी अपने दोस्तों को ये बोल पाओगे कि अब मुझे वो राज मालूम पड़ गया है कि जहाँ से मार्केट गिरने वाला है वो पॉइंट मुझे पहले ही पता हो जाएगा, एंड जहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है वो मुझे थोड़ी देर पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है FII NDII की स्ट्रेटेजी। ये गाइस देखो, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, इसको मैंने पूरे 2 महीने बैक टेस्ट किया है, मैं इसके ऊपर ट्रेड भी लिया है, सब कुछ किया है, और इसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। और आप लोग पहले ही डिमांड कर रहे थे कि आपको वीडियो चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इसको 100% श्योर हो जाऊँ कि हाँ ये सच में काम करती है, और जो मैंने ऑब्जर्व किया वो सच में काम कर रहा है, ना कि मेरा एक वहम है कि हाँ यहाँ से ऐसा होता है। तो अभी फाइनली मैंने सब कुछ इसके ऊपर कर लिया है, बैक टेस्ट कर लिया है, ट्रेड ले लिया है, सब कुछ मैंने आपको दिखाया भी है। तो अब इस वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। आप सबको पता होगा कि FII NDII का मतलब क्या है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड DII का मतलब क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें FII कौन है, बाहर वाले, हमारे अमेरिका वाले, विदेश वाले, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है। एंड DII कौन है, जो इंडियन कंपनी है, जैसे कि LIC और बाकी इंश्योरेंस कंपनियां, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो लोग शेयर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना बड़ा पैसा, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, वो इनका पैसा है। और नॉर्मली हम लोग ये भी मान के चलते हैं मार्केट में कि जो बड़ा पैसा होता है वही मार्केट को ऊपर नीचे हिलाता है, क्योंकि उनके एक साथ बहुत बड़ा पैसा आया तो मार्केट ऊपर जाएगा, और बहुत बड़ा पैसा अगर एक बार एक साथ में मार्केट से बाहर निकलता है तो मार्केट गिरता है। ये हम लोग मानते हैं और ये सच भी है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है चार्ट के ऊपर और उनके डेटा वगैरह देख के, कि अब हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे FII NDII बाइंग करते हैं और कहाँ पे सेल करते हैं। अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो, अगर आपको आपको सबको पहले पता है कि जो बड़ा पैसा जहाँ पे लगेगा, मान लो वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बड़ा पैसा निकालने वाला, अपना पैसा, तो वहाँ से मार्केट गिरेगा। अब आप सोचो, अगर ऐसा हो जाए कि आपको मालूम पड़ जाए पहले कि इस पॉइंट पे जाके जो FII NDII अपना पैसा निकालने वाली है तो मार्केट गिरेगा, अगर आपको पहले ही मालूम पड़ जाए तो आप वहाँ पे पुट बाय करके पैसा कमा सकते हो, या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ यहाँ पे बड़ा पैसा अभी मार्केट के अंदर आने वाला है जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और आपको ये पहले पता चल जाए और वहाँ पे आप कॉल बाय कर लो ताकि बड़ा पैसा बन जाएगा आपका खुद का भी। तो यही चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद बैक टेस्ट भी किया है, ट्रेड भी किया है, और अभी आज मैं आपके सामने ये स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि देखो, मेरे पास अभी टोटल फिलहाल 2023 अभी जब स्टार्ट हुआ है ना, 3 महीना लगभग अभी चल रहा है मार्च, तो 2-3 महीना ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, और पहले जो मैं ट्रेड करता था तो आप लोगों ने खुद देखे होंगे कि मेरे जितने भी ट्रेड है उसमें पर डे मेरा 3,000, 4,000, 5,000 या 10,000 तक प्रॉफिट होता था हर दिन का। लेकिन जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ है, इसके बाद जो पिछले 1-2 महीने इसमें मेरा प्रॉफिट काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, हर दिन का कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000, और एक दिन तो हमारा 2.5 लाख भी गया था। तो इसका रीज़न क्या, एक साथ मतलब एकदम मेरे प्रॉफिट इतने क्यों बढ़ गए, जहाँ पे मैं 10,000 कर रहा था अभी मेरा 50,000, 5 गुना बढ़ गए। तो इसके पीछे का रीज़न है मेरी 3 स्ट्रेटेजी। ठीक है, 3 स्ट्रेटेजी कौन सी है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली वाली है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इसके ऊपर मैं हर रोज वीडियो बनाता हूँ और अभी पिछले 1-2 हफ्ते से मैं उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। वो कौन सी है, जो आपको सबको मैंने बता के भी रखा है, न्यूज़ प्लस प्राइज एक्शन। ठीक है, ये वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बता के रखी है, और इसका अगर मैं एक्यूरेसी रेट बताऊँ या फिर मैं अगर इसको आउट ऑफ 100 स्टार में से स्टार दूँ तो इसको मैं स्टार दूंगा 80% या फिर 80 स्टार। मान लो 100 में से मैं इस स्ट्रेटजी को 80 स्टार दूंगा। फिर सेकेंड नंबर जो आती है स्ट्रेटेजी है वो है आज वाली, FII NDII। ठीक है, इसको भी मैंने अच्छे से बैक टेस्ट किया है, एंड इसको मैं अगर आप बोलो 100 स्टार्ट में से कितना स्टार दूं तो इसको मैं दूंगा 90 स्टार। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूज़ वाली जो स्ट्रेटेजी है इससे भी अच्छी काम करती है ये वाले, आज वाली FII NDII वाली। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आप लोग अगर फ्री नहीं हो तो अब वीडियो को लाइक कर दो और बाद में इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर अच्छे से आप कान में ईयरफोन डालो, अच्छे से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इस स्ट्रेटेजी का मैं कोई भी दो ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा नहीं बनाने वाला, जो कुछ भी आपको जानना है सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको एक जगह ही एक वीडियो में मिल जाए। ठीक है, और तीसरी स्ट्रेटेजी है मेरी जो सबसे ज़्यादा काम करती है, और इसको मैं दूंगा 100 स्टार
यानी कि आउट ऑफ 100 में से मैं इसको पूरे 100 स्टार दूंगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है और ज़बरदस्त काम करती है। मेरे उस दिन जो आप देखा था प्रॉफिट 2.5 लाख प्रॉफिट एक दिन का, वो वाला इसी स्ट्रेटेजी से हुआ। और इसमें मैंने अभी डिसाइड कर लिया है ये पूरा साल यानी 2023 जब से स्टार्ट हुआ है जनवरी 1 तारीख से, तब से मैं सिर्फ ये 3 स्ट्रेटेजी ही यूज़ कर रहा हूँ और इन 3 की वजह से मेरा ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। पहली वाली मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, ठीक है, सेकेंड वाली मैं आज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जो तीसरी वाली है ना, इसका मैं अभी आपको नाम भी नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, लोग इसको लाखों में बेच रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी स्ट्रेटेजी की रिस्पेक्ट करो। और मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर 200 लाइक दो, ठीक है, 200 लाइक दो, सिर्फ 100 कुछ कमेंट करो। आप जो कमेंट कुछ भी कर सकते हो, आपको वीडियो अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बेस्ट है, कहाँ पे मैंने गलती की, कुछ भी आप लिखो, लेकिन कमेंट में लिखो और 20 शेयर करो। अब आप बोलोगे आप डिमांड क्यों कर रहे हो लाइक कमेंट शेयर की, ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ बताओ, क्योंकि देखो मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन फ्री में दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी न्यू ट्रेडर है इंडिया में, जो लोग कैपिटल अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको पैसे देने के मतलब उनके पास पैसे नहीं ताकि वो पेड कोर्स ले, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उनके पास भी पहुँचे। ये कब पहुँचेगा, जब आप लाइक करोगे शेयर करोगे कमेंट करोगे ना, तो यूट्यूब क्या करता है, हमारे वीडियो को और ज़्यादा रीच पहुँचाता है, बहुत लोगों को दिखाता है। तो मैं चाहता हूँ अगर आप ऐसा करोगे तो वीडियो उनके पास ही पहुँचेगा और उनकी मदद हो जाएगी। आप खुद जानते हो आपके पास अगर जिनके पास अभी कैपिटल नहीं है या बहुत छोटा है ना, वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपको कोई बेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन सभी ट्रेडर के पास पहुँचे जिनके पास आज कैपिटल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उनके पास सीखने की क्षमता है, वो आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे, लेकिन आज उनको एक अच्छा वीडियो चाहिए, अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए जो उनको फ्री में मिले, ना कि उनको बड़े बड़े पैसे मांग के कोई पेड कोर्स करे। तो बस इसीलिए मैं आपको ये कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो पे ये FII एंड DII वाली स्ट्रेटेजी जो अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके ऊपर आप 200 लाइक कर दो, 100 कमेंट कर दो और 20 शेयर कर दो। आप देखो शेयर आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में करो, इंस्टाग्राम पे करो, टेलीग्राम पे करो, कहीं पे भी शेयर करो, शेयर कर दो, इससे यूट्यूब को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये वीडियो शेयर हो रहा है, अच्छा वीडियो, और लोगों को ये दिखाएगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा पूरा क्राइटेरिया, तो आपके बिना बताए आप चाहे कमेंट भी मत करना कि हाँ वीडियो डालना है डालना, मैं ये वीडियो लेके आ जाऊँगा तीसरा वाला। और ये वीडियो तो एकदम ज़बरदस्त, मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे आग लगा देगा, इतना खतरनाक वीडियो है, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं आज के FII एंड DII वाली स्ट्रेटेजी है। अभी मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। अगर देखो थोड़ा आवाज़ में कुछ गड़बड़ लग रही है तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, गला बैठ गया था, और सबको पता है अभी थोड़ा वायरस चल रहा है, तो ये कोई बात नहीं, हम सीखने में ध्यान देंगे। इसमें अभी देखो क्या करना है, बस सिंपल है, आप सभी को सब कुछ पता है जो आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सही जगह पे सिस्टमेटिक कैसे लगाना वो बताता हूँ। देखो सबको पता है कि प्राइजेक्शन के बेस पे कैसे लेवल निकालना, देखो ये स्ट्रेटेजी एकदम आप सोचोगे कि शुरुआत में कि हाँ ये तो मुझे पता है पता है, लेकिन एंड में जाके आप सोचोगे ये तो मुझे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स है, स्ट्रेटेजी को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और पहला वाला पार्ट सिंपल है जो आपको भी पता है, क्या करना है आपको, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल्स निकालने, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइंस की नहीं बात करूँगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल्स। हॉरिजॉन्टल लेवल्स क्या है, मान के चलो ये वाला दिन है ना, ये छोड़ दो, ऐसा मानो कि ये वाला दिन में हमें पता नहीं अगला दिन है, कल होने वाली ट्रेडिंग है, तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। आपको करना क्या है, आपको ओपन करना है 5 मिनट चार्ट, मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पीछे नहीं छूटेगी। पहले आपको ओपन करना है 5 मिनट चार्ट, ठीक है। अब आप थोड़ा ग्राफ को छोटा कर लो और इसमें आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल निकालना है, ठीक है। नहीं ये पहला पार्ट है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन ये पहला वाला क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल लेवल निकालना है। अभी देखो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे अभी आपको जो मैं नॉर्मली डेटा देता हूँ ना, कि मतलब लेवल्स देता हूँ कि डेटा के ऊपर, ये न्यूज़ के ऊपर, वो सारे नहीं, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे चार्ट के हिसाब से काम करना है, इसमें आपका 100% काम हो जाएगा। तो देखो मैं पहले लेवल निकाल रहा हूँ, आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया, क्यों, देखो यहाँ से मार्केट ने यूटर्न मारा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे लेवल आपको निकालने, थोड़ा देखो मैं इसको छोटा करता हूँ चार्ट को, और फिर देखो यहाँ पे आने के बाद एक लेवल आप यहाँ पे बना सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला मार्केट ने यूटर्न मारा, फिर एक लेवल आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, क्यों, यहाँ से मार्केट ने यूटर्न मारा, फिर और छोटा कर दो और आप एक लेवल लगभग यहाँ पे निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा, इस जगह पे भी मार्केट वापस नीचे आया, इस जगह पे भी नीचे आया और इस जगह से भी नीचे आया, तो ये वाला लेवल मैंने निकाल दिया,
है, और एक दो लेवल और निकाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो इस जगह से मार्केट नीचे आया, ठीक है। मैं अभी आपको एकदम सिंपल करके सब कुछ समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ये आपने लेवल्स निकाल लिए, अब करना क्या है, और आपको अगर जरूरत पड़ेगी लेवल्स, हाँ अभी ठीक है ना, अभी आपको समझाने के लिए इतने लेवल्स निकालता हूँ, लेकिन जिस दिन आप ट्रेड करोगे तो जितने भी सारे आपको लेवल दिखते हैं निकाल लो। लेकिन एक ध्यान रखना कि लेवल हर 50 या 60 पॉइंट के आसपास नहीं होना चाहिए, लगभग 100-150 के पॉइंट डिफरेंस है तो चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सुबह 9:15 बजे मार्केट, ये हाँ ये लेवल्स कब निकालना है आपको, मार्केट ओपन होने से पहले। मार्केट ओपन होता है 9:15 को और क्लोज होता है 3:30 को। अभी थोड़ा सेबी बोल रहा है कि हम लोग ट्रेडिंग सेशन बढ़ाएंगे, 5 बजे 6 बजे तक हो सकता है, वो कोई बात नहीं, हम लोग मार्केट ओपनिंग के पहले लेवल्स निकालते हैं। आप 8:30 बजे निकाल सकते हो, 9 बजे निकाल दो, लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले लेवल निकालना है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, मार्केट खुल गया 9:15 बजे, अब इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हम लोग जो ट्रेड लेने वाले हैं ना, वो FII एंड DII के साथ में ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि जिस साइड में वो लोग ट्रेड लेंगे उसी साइड में हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। मार्केट ओपन हो गया, अभी देखो यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये लेवल तो हमने इसी दिन से ही निकाला है, और ये सारे लेवल ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये हमने बहुत बैक पीछे जाके देखो, हमने ग्राफ छोटा किया था ना, और यहाँ कहीं पे आके हमने लेवल निकाला है, ठीक है। अब करना क्या है, मार्केट ओपन हो गया, जैसे कि मान लो हम लोग यही करते हैं, इसी दिन का हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया लेकिन हमारे लेवल के पास में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे विक इतनी छोटी है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ से वापस वही कैंडल ऊपर जाती है ग्रीन कलर में, फिर क्या करती है, छोटी सी लाल बनती है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा लेवल बहुत दूर है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना कॉल की साइड में। यहाँ पे बहुत लोग, ये अलग स्ट्रेटेजी एक होती है जहाँ पे आप ऊपर कॉल की साइड ट्रेड लेते हो, यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ FII एंड DII की, और इसमें जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। आपको इंतजार करना है अपने लेवल के पास में पहुंचने के बाद, और जिस टाइम भी, ये इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम पे भी फर्स्ट कैंडल जो इस लेवल को टच करती है, यहाँ पे देखो ये वाली ग्रीन जो है, मैं जूम करता हूँ, ये वाली इसने टच नहीं किया, देखो इसका यहाँ पे इधर किधर ही है, इस कैंडल ने टच किया, इसी कैंडल पे आपको टच करते ही पुट बाय करना है। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट में लिखने वाले हैं कि ये तो एक क्या बोलते हैं, आंख बंद करके तीर मारने के जैसा है, ये वैसा नहीं है, ये सच में FII की वैसे ही करती है। वो लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको रीजन भी देने वाला हूँ, यहाँ पे जैसे इस लेवल को टच करता है ना, आप तुरंत पुट बाय कर लो। हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो, या फिर अगर स्टॉक में कर रहे हो तो वहाँ पे आप तुरंत स्टॉक को सेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही टच किया यहाँ पे आपने पुट को बाय किया। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूँ ऐसा क्यों। देखो हमारे पास कितना पैसा है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 30 लाख, 50 लाख, इतना ही पैसा है एक रिटेल ट्रेडर के पास, बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ ट्रेड करना है तो हम या तो क्वांटिटी मारते हैं 900 900 900 करके, या फिर कुछ बास्केट बना लेते हैं। लेकिन ये जो FII एंड DII है, इनके पास इतना 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ इतना नहीं, इनके पास हजारों करोड़ पैसे हैं, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, इतना बड़ा पैसा है। अब इनको मान लो कहीं पे ट्रेड लेना है, तो आपको लगता है कि वो लोग 900 900 900 ऐसा कर क्वांटिटी लेते जाएंगे मैन्युअली, उनका तो एक दिन निकल जाएगा एक बार ट्रेड लेने में, लेकिन वो तो दिन में बहुत बार ट्रेड करते हैं, तो इतना फास्ट ट्रेडिंग कैसे होता है, उनके क्वांटिटी सिस्टम में रहती है। कि वो लोग क्या करते हैं, पहले जैसे मार्केट ओपन हुआ ना, वैसे ही वो लोग हमारे जैसे ये लेवल निकाला, लेवल निकाल दिया, पर वहां पे ऑलरेडी उसने सिस्टम में ये डाल के रखा है कि जैसे इस लेवल को टच हो पुट बाय होना ऑटोमेटिक, और उनकी तुरंत लाखों में क्वांटिटी बाय होती है, तुरंत होती है, वो मैन्युअली नहीं होता, वो सिस्टमेटिक होता है, सिस्टम में होता है, उनका कंप्यूटर करता है ऑटोमेटिक। जैसे ही लेवल टच हुआ वहां पे उनकी लैक्स ऑफ क्वांटिटी बाय हो गया, पुट की साइड में या कॉल की साइड में, तो वो ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे भी यही चीज है, जैसे ही ये कैंडल इस लेवल को टच किया तुरंत उनका सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उनकी क्वांटिटी बाई होना शुरू हो गई, और वो लोग लाखों में उनकी क्वांटिटी बाई होती है। वही चीज हमें यूज करना है, जैसे इस लेवल को टच हुआ तुरंत बाई कर लो, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का बेस्ट पार्ट क्या है, आपको प्रॉफिट मिलने वाला बहुत बड़ा और लॉस होने वाला बहुत ही छोटा, मिनिमम लॉस होने वाला है। लॉस क्या होगा, जो भी आपने लेवल निकाला ना, इसके ऊपर आप मैक्सिमम सिर्फ 40 पॉइंट का SL दे दो, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आपका कभी 40 पॉइंट SL भी मिनिमम बहुत रेयरली हिट होगा, नहीं तो 40 पॉइंट SL भी हिट नहीं होने वाला, और प्रॉफिट जबरदस्त। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो इस कैंडल ने टच किया, टच करते ही आप यहाँ पे पुट बाय कर लो, ठीक है, ये बाय किया आपने पुट, और मैं आपको ये दिखाता हूँ 40 पॉइंट कहाँ होने वाला है।
ये लेवल है 41,661, तो 41,700 मान लो आपका ये एसएल होने वाला है, 700, बस इतना छोटा एसएल। अब प्रॉफिट देखो, आप बिलीव भी नहीं कर सकते, ये आज इधर ही नहीं है, मैं आपको सारे सब कुछ दिखाने वाला हूँ कितना बड़ा प्रॉफिट, बस आप इसको एक्सटेंड करते जाओ, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये, हर जगह ऐसा ही काम किया है। कल मैंने ये वाला ट्रेड लिया था, मैंने आपको वीडियो डाल के बताया था, ये वाला ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ पे हुआ क्या था, इस जगह पे मुझे ट्रेड लेना था एज पर दिस स्ट्रेटेजी, लेकिन यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, और यहाँ कहीं पे मैं आके जब मैं ओपन किया मार्केट को, तभी यहाँ इस कैंडल पे मैं था, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मिस किया था, फिर मैंने इंतजार किया और इस कैंडल पर मैंने ट्रेड ले लिया और अच्छा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अभी आप देखो कितना, जो लोग बात करते हैं ना यूट्यूब पे 1:1, 1:2, 1:3, यहाँ पे देखो ये शायद यहाँ पे 1:6 का, 1:6 क्या उससे भी ज्यादा है, लेकिन मान लो 1:5 ही लिया ना, बहुत बड़ा पैसा है ये। ये क्या हुआ, ये लेवल मैंने बहुत पहले का निकाला, यहाँ पे मार्केट ने टच किया, मैंने पुट लिया, जूम प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड देखो, यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे असली में यहाँ पे कैंडल थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों ने रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे असली में क्या होता है, टच करते ही आप इस लेवल को ले लो, बहुत सारे लोग यहाँ पे ले लिया, बेस्ट है, किसी किसी ने यहाँ पे लिया बेस्ट है, किसी ने थोड़ा वापस ऊपर के लिया, यहाँ पे देखो फिर से क्या हुआ लेवल, हाँ इसमें क्या है, जो लेवल बता रहा हूँ ना, लेवल को टच करते ही उल्टा ट्रेड लो, अगर मान लो नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट, ऊपर की तरफ लेवल टच हुआ पुट ले लो, मार्केट जूम नीचे, फिर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे लेवल टच हुआ कॉल ले लो जूम ऊपर प्रॉफिट, इतना इतना आसान है, कुछ नहीं है। देखो फिर वापस आया, यहाँ से नीचे से ऊपर गया, इस लेवल को टच किया, फिर से पुट लिया जूम नीचे, यहाँ पे आया नीचे, इस गे को ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को टच किया कॉल ले लो जूम ऊपर प्रॉफिट। एक दिन में आपने जितनी बार भी लिया हर बार प्रॉफिट हुआ, एक बार भी एसएल हिट नहीं हुआ। ये मैंने आपको बताया कल का सेशन, जो फ्राइडे था, सॉरी फ्राइडे नहीं मंडे था, तो मंडे के सेशन में ये प्रॉफिट हुआ, जितनी बार ट्रेड मिला उतनी बार प्रॉफिट, इतना आसान है। और भी इसके बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कैसे प्रॉफिट बनता है, कैसे एंट्री लेनी है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे जाएंगे, यहाँ पे देखो मार्केट आया, यहाँ से इधर आया, इस ग्रीन कैंडल ने इस वाले ने देखो यहाँ पे इस वाले ने ही टच कर दिया, ले लो टच किया पुट ले लो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ऐसे हिट हुआ नहीं हिट हुआ। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, कितना एसएल, मैक्सिमम 40 पॉइंट का एसएल, यहाँ पे ये लेवल कितने का, 41,372, तो 41,410, ठीक है 41,410, यहाँ पे कहीं पर आपका एसएल होता है, क्या एसएल हिट हुआ नहीं हुआ, प्रॉफिट मिला बहुत मिला, कितना हुआ 1:4, ऑलमोस्ट 1:4 प्रॉफिट, ठीक है मिल गया। और जाओ आप कितना भी बैक टेस्ट कर लो, हर बार आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, बहुत रेयरली होता है कि आपका ऐसे हिट होता है। ये क्यों, अभी देखो अभी बहुत सारे लोग यही बोलने वाले हैं कि इतना आसान थोड़ी हो सकता है, आप मुझे कहीं पे ऐसे हिट हुआ हो दिखा दो, फिर आप बोलना कि इतना आसान कैसे होता है। भाई ट्रेडिंग बहुत आसान है, बस इसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इंडिकेटर लगा के, पता नहीं क्या क्या लगा के, इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो लोग 200 MA, 50 MA लगा सकते हैं, आप लोग दिन में ट्रेडिंग करने वाले हो वहाँ पे आप क्यों 200 EMA लगाते हो, क्यों 50 EMA लगाते हो, चार्ट पर रंगोली मत बनाओ। वैसे आज होली है, आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से, और सब लोग अच्छे से होली बनाना और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना, तो हम बात करते चार्ट पे होली मत बनाओ, बस जिंदगी में अच्छे कलरफुल लाइफ बनाओ, अच्छे से जियो, लेकिन चार्ट पे होली कुछ भी मत करो। ठीक है, थोड़ा और बैग जाते हैं, तब भी देखो यहाँ पे आपको ट्रेल लेना, तो वहाँ पे पीछे जाके आप थोड़ा और लेवल्स वगैरह निकाल लो। अब देखो यहाँ पे किसी किसी को ना बोलते हैं कि भाई एक मॉर्निंग में बस मार्केट खुल जाए, मुझे ऐसा सेटअप बना दो कि वहाँ पे मार्केट खुलते ही मैं प्रॉफिट बना लूँ। ठीक है, देखो आपके पास सेटअप है, मान लो ये वाला दिन जो है ना, यहाँ पे आज मार्केट खुलने वाला है 9:15 बजे, आप सुबह 8 बजे खुल के ये लेवल निकाल रहे हो, आपने क्या किया, यहाँ पे लेवल निकाला, मार्केट बहुत बार आकर रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो आपने ये लेवल निकाला, फिर क्या हुआ 9:15 हुआ, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे आया ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आया, लेवल को टच किया, आपने कॉल बाय किया और प्रॉफिट देखो, जैसे इसके अंदर नीचे आई इसको टच किया लेवल को कॉल ले लो इसी जगह पे। आपको देखो वेट नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको कोई भी कैंडल का किसी का वेट नहीं करना है कि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए, एक बार अगर आपने वेट किया ना तो एंट्री गई, क्यों, क्योंकि FIADI के वो कंप्यूटर से, वो किसी के लिए वेट नहीं करते, तुरंत उनकी क्वांटिटी एकदम हिट होती है और मार्केट जबरदस्त ऊपर या नीचे जाता है। यहाँ पे भी आप 40 पॉइंट कैसे लगा लो, देखो ये कितना है 371, तो 330 के आसपास मेरे हिसाब से ये एसएल रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट जबरदस्त है, आप ले लो ना पहला मोमेंटम जहाँ तक ब्रेक होता है वहां तक ले लो, कितना हो गया ये कहाँ दिखाएगा,
हाँ यहाँ पे 1:3.5, कोई बेड रेशियो नहीं, लोग 1:1 के लिए मरते हैं, हम लोग यहाँ पे 1:3, 1:5 ले रहे हैं। ठीक है, मिल गया आपको। देखो जहीं पे जहाँ पे भी जितना भी मिल रहा है ना, आपको जहाँ बैक टेस्ट करना है, जो कुछ भी करना है आप करो, 100%। 100% नहीं बोलूंगा, देखो वहाँ पे फिर लोग अपना ज्ञान देना स्टार्ट करेंगे, 100% कुछ नहीं होता। हाँ 100% कुछ भी नहीं है, 90% भी बहुत होता है, 10 में से 9 ट्रेड काम कर रहे तो फिर आपको क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पे जबरदस्त है, यहाँ पे ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, और इसके मैंने ये सारी, देखो ये बता रहा हूँ ना मैं, ये वाला मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं थोड़ा उस दिन मैंने ट्रेड ही नहीं किया था। ये वाला मैंने ट्रेड लिया है, मैंने शायद ये वाला मैंने ट्रेड लिया है, ये वाला तो मैंने कल ही ट्रेड लिया है। तो मैं कोई, देखो यहाँ से जो ट्रेड मिलता है तुरंत ले लो, छोड़ो मत। और जो लोग अभी बताने वाला हूँ मैं, आप लोग इसको देखने बाद ट्रेड कर रहे हो, फिर पहला ट्रेड अगर ऐसे हिट हुआ ना, तो ये मत सोचना कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। आप बैक टेस्ट कर लो, उसके बाद ट्रेड करना, लेकिन कम से कम 10 ट्रेड करो। मैं बोलता हूँ आपको 10 में से 8 से 9 100% प्रॉफिट देने वाले हैं, आपका लॉस नहीं होने वाला। लेकिन शुरुआत में आप इसको एक लॉट के साथ ट्रेड करो, बड़ी क्वांटिटी मत मारो कि हाँ हमने ट्रेडिंग विद एमएस का वीडियो देख लिया और बड़ी क्वांटिटी लेके पैसा कर दें, इतना आसान नहीं है। थोड़ा बैक टेस्ट करो, आपको मालूम भी होना चाहिए कहाँ पे ट्रेड लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। और अभी मैं आपको इसके बारे में और क्या बताऊँ, देखो आपको जहाँ पे बैक टेस्ट करना है आप वो कर लो। देखो इसमें मैं खुल के बोल रहा हूँ, आप कुछ भी करो, और अगर आपको मान लो कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे काम नहीं किया, आप कमेंट करके मुझे बताओ। ये देखो मार्केट एकदम नीचे से ऊपर आया। हाँ एक चीज देख लो, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया कि मार्केट अगर मान लो इधर से ही हुआ, थोड़ा आया फिर नीचे थोड़ा सा, अरे यार थोड़ा इधर किधर ही मार्केट था, यहाँ से ऊपर आया फिर आप टच हो रहा है, फुट किले जा रहे हो फुट की साइड में, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एसएल हिट होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। जितना दूर से मार्केट आके उस लेवल को टच करता है, उतना दूर ही वापस टच करके जाता है, समझे। देखो मार्केट अगर मान लो यहाँ से इतना दूर से होके फिर इसको टच करेगा ना, उतना दूर वापस जाएगा, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। एज कम्पेयर टू अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ कहीं पे घूमने लग जाएगा इतना छोटा। तो आप ये देखो, जो आप इसको पहाड़ बोल सकते हो, जितना बड़ा पहाड़ का एक साइड उतना बड़ा बड़ा पहाड़ का दूसरा साइड। वैसे अगर यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ कहीं भी जाने की उसकी क्षमता है ना। हाँ कभी कभी होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो गए इतना बड़ा मार दे, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा काम करता है। अभी देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसको टच किया, आपकी एंट्री कहाँ होगी, ये देखो छोटी वाली जो कैंडल है ना, ये वाली लाल वाली, यहाँ पे होगी ऑलमोस्ट। इसने इस लेवल को टच किया है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री हुई, 40 पॉइंट कैसे लगाओ और प्रॉफिट के लिए वेट करो, बीच से मत निकलना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपने यहाँ पे एंट्री ली 40 पॉइंट का एसएल, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोग देखो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल मत लगाना, वहाँ पे आप 20 से 25 पॉइंट का एसएल लगाओ। तो यहाँ पे ये लेवल कितने का है, 40,925 प्लस 40 कर लो तो कितना हो गया, 40,965। ठीक है, तो 965 तक, ठीक है, यहाँ अगर कहीं पर कैलकुलेशन गलत हो जाए तो आप देख लेना, यहाँ पे मैं थोड़ा एसएल बता रहा हूँ 40 पॉइंट का। तो यहाँ पे आपने एंट्री ली, एसएल लगाया, क्या आपका यहीं पे एसएल हिट हुआ है, नहीं हुआ। देखो यहाँ पे एक कैंडल ने इस लेवल को टच किया, आपका एसएल हिट नहीं हुआ, आप वेट करो, यहाँ पे वेट करो वेट करो वेट करो, फिर देखो प्रॉफिट कितना, 1:6, छोटा प्रॉफिट नहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आज तक आप लोगों ने सिर्फ बड़े ट्रेडर को ऐसे जो आप ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने देखा है उनको लेते हुए, अब से आप भी ले सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप बहुत लोग बोलने वाले हो कि ये तो बहुत बड़ा बहुत रिस्की हो गया कि आप टॉप लेना चाहते हो बॉटम लेना चाहते हो, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर बड़े बड़े ट्रेडर जो है जिसको आप देखते हो, मैं उसका नाम नहीं लेने वाला, वो खुद ये स्ट्रेटेजी इसी तरह से यूज़ करता है। आपने देखा होगा बहुत बार वो लोग बोलते हैं कि देखो मैंने टॉप कैप्चर किया मैंने बॉटम कैप्चर किया, वो लोग भी यही यूज़ करते हैं। आप बोलो उनको टॉप कैसे मालूम पड़ा, उनको बॉटम कैसे मालूम पड़ा, वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजी है, हमने FII DII का मूवमेंट कैप्चर किया है, हमने उनको समझा है, हमने उनका डेटा देखा, वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। वो बस ये बोलेंगे कि हाँ मुझे सब कुछ पता है इसलिए मैंने टॉप कैप्चर किया बॉटम कैप्चर किया। असली में वो लोग भी यही स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, पर आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कौन ऐसा यूट्यूबर है जो हर बार बोलता है मैंने टॉप कैप्चर किया बॉटम कैप्चर किया, उसके पास यही स्ट्रेटेजी है, वो बता क्यों नहीं रहा है, सिंपल आंसर है, क्योंकि उसको तो अपना कोर्स बेचना है, वो चाहता है कि उसके लोग वही स्ट्रेटेजी सीखने के लिए पैसे दे। लेकिन मैं आपको ये फ्री में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था यूट्यूब पे आज ये सब कुछ पहली बार होने वाला है, मैं सब कुछ इतना डिटेल में फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो पीछे कुछ आ गया नहीं, अरे यार ये मूव हो गया फिर से। तो अभी आपके रूल्स क्या है यहाँ पे, रूल्स कुछ भी नहीं,
सिंपल है, आप मार्केट में सुबह ओपन होता है तभी लेवल्स ड्रॉ करो, जैसे ही मार्केट को टच करता है तुरंत एंट्री लो। देखो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है कोई कैंडल क्लोजिंग का, हाँ कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, किसी का जो भी कुछ होता है वो कुछ नहीं करना, तुरंत टच हुआ ट्रेड ले लो, एसएल हिट हुआ 40 पॉइंट लेके निकल जाओ, मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, उसको लेके फिर बैठो मत। इतना सिंपल है, मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे ओपन हो गया, 9:30 बजे के आसपास ट्रेड मिल जाएगा, एसएल हिट हुआ तो एसएल हिट, ट्रेडिंग बंद, प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट बुक करो, लैपटॉप बंद करो, इन्जॉय करो प्रॉफिट। इतना आसान है, देखो ट्रेडिंग के सामने पूरा दिन चार्ट के सामने मत बैठो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पैसा बनाना है ना आपको, तुरंत ट्रेड लो पैसा बनाओ निकल जाओ, इतना आसान है और कुछ भी नहीं है। और जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इसके लिए स्क्रीन्स के लिए इस सब के लिए, तो उनके लिए मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको सच में स्क्रीन्स की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग अभी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमें फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए क्या, तो मैं आपको देखो क्लियरली बता रहा हूँ, आप लोग अभी स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, यहाँ तक कि मैं खुद फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, आप सबको पता है मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मैं अपना पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं चार्ट ओपन करता हूँ, और मैंने जो स्ट्रेटेजी अभी बताई आपको ये वाली दो तीन और है उनके हिसाब से मुझे ट्रेड मिलता है, तो मैं ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट बनाता हूँ, मोबाइल बंद लैपटॉप बंद अपना काम शुरू। इतना आसान ट्रेडिंग है, पैसा बनाना बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट मत बनाओ, रंगोलियाँ मत बनाओ चार्ट पे। यहाँ पे देखो कल मैं था हॉस्पिटल में, यहाँ कहीं पे मैं तब बिजी था तो मैंने ओपन किया मोबाइल को, तभी यहाँ कहीं पे था, मुझे तुरंत यहाँ पे ये कैंडल दिखा, ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी ये काम कर रही थी हमारी FIDA वाली, मैंने ट्रेड लिया, तुरंत प्रॉफिट हुआ, निकल गया अपना काम फिर से शुरू। इतना आसान है, कुछ भी नहीं है, आप ट्रेडिंग को डिफिकल्ट मत बनाओ। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पेड कोर्स करके पैसा कमाना सीख जाएंगे, तो ये भी आपकी गलतफहमी है, कुछ नहीं सिखा रहे हैं वो लोग पेड कोर्स में, मैं जो आपको बता रहा हूँ बस यही चीज़ें सिखा रहे हैं, बस इतना ही है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी, आप इसको फॉलो करो। मैं तो बोलता हूँ पहले आप बैक टेस्ट करो, देखो किसी के ऊपर विश्वास मत करो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब कुछ, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, आप लोग मुझे शायद पर्सनली जानते भी नहीं तो मेरे ऊपर विश्वास करोगे भी क्यों, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इसको बैक टेस्ट करो, चार्ट पे सारे लेवल ड्रॉ करो, देखो कितनी बार काम किया कितनी बार काम नहीं किया, कितना प्रॉफिट दिया कितना लॉस दिया, उसके बाद अपना रियल पैसा लगाओ, किसी के कहने पे भी कोई भी रहने दो, बड़ा बड़ा ट्रेडर रहने दो, उसके कहने पे अपना रियल पैसा मत लगाओ, पैसा अगर गया तो आपका गया है, उनका कुछ नहीं गया, ठीक है। और अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, बहुत डिमांड थी इस वीडियो के इसलिए मैं लेकर आया हूँ, और ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, मैं बोल रहा हूँ आप विश्वास नहीं करोगे इतना आसान ट्रेडिंग हो गया है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ इस वीडियो पर 200 लाइक दे दो, 100 कमेंट दे दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मैं वो नेक्स्ट वाला जो है ना स्ट्रेटेजी मैं आपको बोल रहा था तीसरे नंबर पे, जिसको मैं 100 स्टार दे रहा हूँ, 100 स्टार वो आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं है, मैं आपके पैसे नहीं लेने वाले। और अगर किसी को कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है ट्रेडिंग विद MS, टेलीग्राम का ग्रुप भी ट्रेडिंग विद MS, और हमारे चैनल का नाम भी ट्रेडिंग विद MS, और किसी के चक्कर में मत पड़ना। और आपको अगर इंस्टाग्राम की लिंक चाहिए तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक भी वहीं पे मिलेगी, आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे फेक ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन मत होना, वो लोग आपसे पैसा मांगते हैं। तो ठीक है गाइज, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और ऐसे में लर्निंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ फ्यूचर में भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।